अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। क्या फिल्म में चोर के रोल में दिखेंगे दोनों एक्टर्स? क्या धूम की अपडेटेड वर्जन होगी ये फिल्म? क्या फिल्म में दिखेगा एक और बड़ा एक्टर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, अगर मैं आपसे बॉलीवुड की बेस्ट रॉबरी बेस्ड मूवीज के बारे में पूछूं तो मैक्सिमम लोगों के जवाब में एक ही मूवी का नाम आएगा, यशराज बैनर की धूम फ्रेंचाइजी। 2004 की स्टार्ट हुई ये जर्नी इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट क्रॉसिंग फ्रेंचाइजी बन चुकी है। हालांकि शुरुआत में इसे फास्ट एंड फ्यूरियस और डेथ रेस जैसी मूवी से कंपेयर करके देखा गया था, लेकिन जैसे जैसे मूवी की सीरीज आगे बढ़ी इसने अपना एक अलग ही फैन बेस क्रिएट कर लिया। फ्रेंचाइजी ने एक कॉमन पाथ को पकड़ कर रखा, चोर और पुलिस के बीच का चूहे बिल्ली का खेल, जिसे फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म में एक्शन, थ्रिल, फास्ट राइजिंग सुपर बाइक्स और बेटर स्टोरी लाइन सब कुछ था। और एक बार फिर ऐसा ही थ्रिलिंग कॉम्बिनेशन हमें फिर से देखने को मिलने वाला है। नहीं नहीं, धूम के नेक्स्ट पार्ट की बात बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे। मेरा इशारा है आने वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 की तरफ। फरवरी में अनाउंस हुई ये फिल्म फैंस की मस्ट वॉच लिस्ट में शामिल हो गई है, और इसके सबसे बड़ा रीजन है फिल्म का ऐसा ग्रैंड अनाउंसमेंट और फिल्म में दिखने वाली ऐसी वियर्ड जोड़ी। अब भाई, अगर अक्षय और टाइगर की जोड़ी हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगी तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मेकर्स का प्लान इस बार पुरानी फिल्म की तरह डबल रोल या कॉमिक सीन्स दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फिल्म में हमें चूहे बिल्ली का खेल नजर आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ये तो खुद मेकर्स ने और फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के थ्रू ही ये कंफर्म किया गया था कि फिल्म फुल एक्शन पैक्ड होने वाली है और यहाँ हमें कोई डबल रोल देखने को नहीं मिलेगा, यानी स्टोरी एकदम फ्रेश होगी और एक्शन ओवर द टॉप। लेकिन अभी हाल ही में फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने ये रिवील किया है कि फिल्म में हमें धूम फ्रेंचाइजी की तरह चोर पुलिस का खेल देखने को मिलेगा, यानी फिल्म के हमारे हीरोज असल में कहानी के हीरोज नहीं होंगे। और यही वजह है कि फिल्म में हमें एक और एक्टर के दर्शन हो सकते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की एक बड़ी पोस्ट पर होगा और काम करेगा इन चोरों को पकड़ने का। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो पूरी धूम सीरीज की स्टोरी हो गई, तो आखिर फिल्म में यूनिक और नया क्या होगा? तो दोस्तों, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म की बेसिक थीम है। फिल्म की स्टोरी इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटकर होगी, क्योंकि कहानी फिल्म में चोर और पुलिस का और भागदौड़ की होगी, तो दोनों चोरों की अपनी पर्सनल लाइफ पर इस कहानी को फोकस किया जाएगा। जी हाँ, फिल्म में एक और ट्विस्ट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो ये कि शुरुआत में फिल्म में बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक साथ नजर नहीं आएंगे। दोनों अपने ओन मिशंस और मकसद की वजह से चोरी कर रहे होंगे, बट आगे चलकर इनका सामना होगा और ये दोनों एक होकर किसी बड़े थ्रेट से लड़ेंगे। और शायद आपने गौर किया हो तो फिल्म के अनाउंसमेंट के टीजर में हमें इस थीम की हिंट दी गई थी। दोनों ही एक्टर्स का पीछा पुलिस डिपार्टमेंट की एक टीम कर रही थी, और साथ ही एंड में दोनों के एक साथ आने की भी हिंट दी जाती है। हालांकि ये स्टोरी कॉन्सेप्ट कितनी सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है उत्कर्ष मिश्रा ने।